हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज स्टडी पॉइंट। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो ज्योग्राफी है 6th क्लास की, वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल पॉलिटी। और उसका देखिए चैप्टर 1 है, भारत में विविधता। तो चलिए इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 200 या 250 साल पहले लोग यात्रा क्यों करते थे जबकि यात्रा के साधन नहीं थे? तो देखिए, जो व्यापारी लोग थे वह व्यापार करने के लिए यात्रा करते थे। क्यों करते थे यात्रा? व्यापार करने के लिए और एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने के लिए, जिससे कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें इस चैप्टर में आपके लद्दाख और केरल के बारे में दिया हुआ है और उस कुछ व्यापारियों के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन ना बनाकर फैक्ट टू फैक्ट इसमें मैंने कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स बनाए हैं। तो देखिए, इनको देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखते हैं लद्दाख को और उसके बाद सेकंड नंबर पे देखेंगे केरल को। देखिए लद्दाख जो है वो कैसा था। जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है वो स्थित है, पूर्वी जम्मू कश्मीर में है और वहाँ पर बहुत बड़ा रेगिस्तान है। लद्दाख का जो रेगिस्तान है वह बर्फ़ से घिरा हुआ है और जो वनस्पति है वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। जब बर्फ़ पिघलती है तो वह उस पानी से ही काम चलाते हैं। व्यापारियों के लिए 200 या 250 साल पहले व्यापारियों का प्रमुख पसंद का स्थान लद्दाख था, क्योंकि यहाँ घाटियाँ थी और अब भी हैं, और जो तिब्बत की तरफ से व्यापारी आते थे, और तीन जो चीज़ें हैं वो तिब्बत से लाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, दरी, कच्चा रेशम और मसाले, ये चीज़ें वो लेके आते थे। अब इसकी तुलना कर लेते हैं केरल से और केरल के बारे में कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं। भारत में केरल दक्षिण पश्चिम है में है। देखिए, जो आपका जम्मू कश्मीर है वो कहाँ था, पूर्व में। जो है जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर था उसके जो लद्दाख है वो पूर्वी में था, ठीक है, पूर्वी जम्मू कश्मीर में है। और जो जो आपका केरल है वो दक्षिण पश्चिम में है, कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और देखिए, जो केरल है इसमें चीनी व्यापारी आते थे और केरल एक तरफ से समुद्र से घिरा, जो जो केरल है वो एक तरफ से समुद्र से घिरा है व तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और यहाँ पर तो पानी है, समुद्र है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेगिस्तान है बहुत बड़ा। लद्दाख में रेगिस्तान है और केरल में समुद्र है। और यहाँ पर कृषि चावल, मसाले, इलायची, काली मिर्च, लौंग होती है। तो क्या होता है केरल में, चावल, इलायची, काली मिर्च और लौंग, यानी कि ये जो मसाले हैं ये यहाँ पर होते हैं। और देखिए, जो आपका लद्दाख है इसमें क्या था, दरी, कच्चा रेशम और मसाले, ये होता था। और ईसाई जो धर्म के लोग हैं वो केरल में बहुत प्रमुख है। जो ईसाई धर्म के लिए जो केरल है ये बहुत प्रमुख है, यहाँ ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। और जो ईसा मसीह के धर्म हैं उनके धर्म दूत सर सेंट जो थॉमस हैं केरल में आए थे। विश्व के सबसे पुराने ईसाई केरल माने जाते हैं। जो सबसे पुराने जो ईसाई हैं वो कहाँ के माने जाते हैं, केरल के माने जाते हैं। और अरब से जो व्यापारी आए वो केरल में आकर बस गए, अरब के जो व्यापारी थे वो भी केरल में आकर बस गए। और देखिए, जो जो सर सेंट थॉमस थे उन्होंने, वो केरल में आए और विश्व के सबसे पुरानी जो ईसाई हैं वो केरल में माने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आगे लद्दाख के बारे में देखते हैं। और लद्दाख से ही बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ। तो जो बौद्ध धर्म है वो कहाँ से आया, सबसे पहले लद्दाख से आया। तिब्बत से जब लोग लद्दाख आए तभी बौद्ध धर्म पनपा। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। और देखिए, बौद्ध धर्म के लोग जब वहाँ आए उस समय वहाँ के लोगों का धर्म इस्लाम था, वे सभी मुस्लिम थे। वो सभी पहले क्या थे, मुस्लिम थे, वो सभी पहले मुस्लिम थे, क्या थे, मुस्लिम। बौद्ध धर्म के लोग जब वहाँ आए उस समय वहाँ के लोगों का धर्म इस्लाम था, वे सभी मुस्लिम थे। बाद में उन्होंने क्या अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। लोक गानों व कविताओं के लिए लद्दाख में मौखिक संग्रह था और जो लद्दाख है वह पश्मीना शॉल के लिए जो है वो जाना जाता था, यानी प्रसिद्ध था। लद्दाख के लोग दूध से बनी चीज़ें खाते थे, जैसे गाय, बकरी, याक,
सर्दी के कारण यहाँ पर क्या होते हैं, गाय, बकरी और याक ये पालतू जानवर होते हैं, तो ये दूध से बनी हुई चीज़ें खाकर अपना पालन पोषण करते हैं। अब देख लेते हैं केरल के बारे में। इबन बतूता जो था वो केरल में आया था और उसने केवल केरल की संस्कृति के कई वृत्तांत लिखे थे। वह जूता पहनकर आया था केरल के तूफान में। जब इबन बतूता केरल में था उस समय इस्लाम धर्म केरल में था, उस समय मुस्लिम धर्म भी था। जो इबन बतूता है वो 700 साल पहले केरल आया था। कब आया था? आज से 700 साल पहले। केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है। कौन सा है केरल का प्रमुख त्यौहार? तो केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है। ओणम के दिन क्या होती है? नौका दौड़ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वास्को डी गामा पुत्र जो है पुर्तगाल से केरल आया था व्यापार करने। यह एक व्यापारी था। जो वास्को डी गामा है वो पुर्तगाली थे। वो केरल क्यों आए थे? वो केरल आए थे व्यापार करने की दृष्टि से। वो एक व्यापारी था। और एक यहाँ पर चीन वाला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो चीन वाला है ये क्या है? मछली पकड़ने का एक जाल है ये मिला है, यानी कि चीन से कॉपी किया हुआ है और मछली पकड़ने का जाल होता है। और केरल में लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। तो आई होप सो आपको केरल और लद्दाख के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे देख लेते हैं, भारतीय झंडा कैसा होगा? इसकी परिकल्पना आज़ादी से पहले हुई थी या बाद में हुई थी? तो देखिए, इसकी परिकल्पना आज़ादी से पहले हो गई थी और एक हथियार की तरह यह प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भारत की खोज पुस्तक के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके इसमें यही इम्पोर्टेंट है। और देखिए, आगे हम करेंगे चैप्टर 2, 3 और 4। उन तीनों चैप्टर्स को हम एक साथ लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर विविधता में एकता जो है वो करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। ओके, थैंक्स।